morning, all of you. Today we were going to learn in Unit 7 subject in standard 4. और हमारा जो लेसन है Unit 7 उसका नाम है ए वाटरी राय और उसके नैरेटर जो है पीए रॉब्स. तो पीए रॉब्स ने यहाँ पर वाटरी राय इस पॉइंट में पौधों को किस तरह पानी देना चाहिए उसके बारे में इस पूरे पॉइंट में हमें बताया है. तो हम देखते हैं पॉइंट में ए वाटरी राय. Early in the morning or the evening hour are the times to water every kind of flower. Watering at noonday when the sun is high doesn't help the flowers, only makes them dry. तो यहाँ पर नैरेटर से बताते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग और द इवनिंग अवर. अवर का मतलब क्या होता है? घंटा, यानी कि जो समय जो वक्त होता है वो. और वाटरिंग का मतलब होता है पौधों को पानी देना. तो यहाँ पर और नूडे का मतलब होता है दोपहर का समय. तो नैरेटर ऐसे बताते हैं कि जब हम किसी भी प्रकार के पौधों को पानी देते तो उसको सही वक्त पर पानी देना चाहिए, यानी कि उसको मॉर्निंग यानी कि सुबह के समय और इवनिंग यानी कि जो शाम का समय होता है वही वक्त पर हमें ऐसे सही वक्त पर हमें पौधों को पानी देना चाहिए. When the sun is high doesn't help the flowers, only makes them die. नूडे का मतलब होता है दोपहर का समय. जब दोपहर का समय होता है और आकाश में जो सन यानी कि सूर्य होता है बहुत तरफ से जो तप गया होता है तो क्या होता है, तो इसी वक्त जब हम पौधों को पानी देता है तो गर्मी से क्या होता है, पौधा जो होता है वो जल जाता है, डाई यानी कि मर जाता है. उसी वक्त पानी देना किसी काम का नहीं है. ऑल्सो वेन वाटर वाटर एट द रूट्स फ्लावर्स कीप देयर माउथ्स वेयर वी शुड वियर अवर बूट्स. बूट्स का मतलब होता है जूते. तो आगे नैरेटर क्या बताते हैं कि ऑल्सो वेन वाटर जब भी हम पौधों को पानी देते हैं वाटर एट द रूट्स यानी कि उसके रूट्स यानी कि उसके मूल जो होते हैं जमीन के अंदर अंदर की ओर उसके जो रूट्स जो मूल होते हैं हमें उसी जगह पर पानी देना चाहिए क्योंकि जो रूट्स होते हैं वो पौधों का माउथ यानी कि उसका जो मुख होता है वो होता है. जिस तरह हम अपने मुख से खाना खाते तो बिल्कुल वैसे पौधे जो है उसके रूट से उसके मूलियों से पानी पीते हैं. तो हमें बिल्कुल उसके माउथ उसके रूट्स की और हमें पानी देना चाहिए जिस तरह से हम हमारे पैरों में जूते पहनते हैं. शो द अर्थ अराउंड देम देन थ्रो ऑल द हीट द फ्लावर्स विल हैव वाटर फॉर द थर्स्टी फिट. थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा. तो आगे नैरेटर क्या बताते हैं कि जब भी हम पौधे को पानी देते हैं तो क्या होता है, जब सूर्य की बहुत धूप होती है यानी गर्मी यानी गीला सूर्य की बहुत धूप होती है तो जो उसके पौधों के आसपास की जो भी जमीन होती है वो क्या होती है कि गर्मी से बहुत तप जाती है. तो हमें ऐसा करना चाहिए कि पौधों के आसपास की जो भी जमीन है उसके अराउंड हमें वाटरिंग करना चाहिए ताकि ऐसा करने से उसके आसपास की जो भी जमीन है वो क्या होती है गीला यानी कि गीला पानी देने के बावजूद क्या हो जाती है गीली हो जाती है और उसके आसपास के जो भी फ्लावर्स थे वो क्या होते हैं फॉर द थर्स्टी फिट. फिट का मतलब होता है उसके पैर यानी कि उसका जो थर्ड होता है उसकी जरिए से वो क्या करता है थर्स्टी यानी कि प्यासा जो प्यासा फ्लावर्स होते हैं वो रूट्स के जरिए से पानी पी लेता है और इस तरह से वो अपनी प्यास बुझा लेते और इस तरह से हमें पौधों को पानी देना चाहिए. तो यहाँ पर हमारी पॉइंट फिनिश होती है.